और सजनो न्यू कह भाई एक लाख धन हो तभी नाम ना होता तो कितना है धन छेड़ता हो। बोला फिर यो नाम क्यों करे उसे धन तो बोला सेठ तारा चंद का बहुत था न्यू नहीं था उस टाइम और किसे दौरे धन नहीं था। वो दादा की कथा है न्यू कहे उसका भाई था हरिराम वो हरिराम का इतना ही धन था जितना तारा चंद का था। अरे एक दिन सुबह सुबह सूरज लाठी चढ़ रहा और वो खाट पर उदास बैठा हरिराम और उसकी शठानी आ गई कहे पत्नी उठ बैठ पति ना दो स्नान करो चल के ये महाराज दो फरा चढ़ रहा तू खाट में मुंडा थोपड़ा करी बैठा मेटो मन कपटी की कालेस मक्खन लेकर करूं तेरे मालिस तेरे आलस निद्रा रहे ना कति तेरा खुल जा बदन गरम झलके कहे पत्नी उठ बैठ पति ना दो स्नान करो झलके। निवला घनी शानी शानी बात मेरे समझ मना आती दूर हो लिए पिया जी क्या बात है। निवला एक बात बता दे जितना धन तारा चंद के पास है उतना धन तो मेरे दोरा भी है। हाँ निवली पिया जी से कौन नाट है। निवला फिर मेरे एक बात समझ मना आई उस ऊत की सारे राम राम से सारा उसकी राम राम की तूड़ी उड़ा के उड़े से सारा देश उसकी इज्जत कर जा मन को बूझता है कौन या पीसा तो मेरे दुरवी से। वह शठानी ने बोली पिया जी पैसे से राम राम और इज्जत नहीं होती और या राम राम और या इज्जत हो से कर्मा दे तू ये काम ना करता जो तारा चंद करे है कौन से काम। शठानी समझाती है भजन में पात्र कोई भी हो सकता है बहाना कोई भी हो सकता है ये बात सब खातिर से। निवली पिया जी ये काम करे अगर जब जग में तेरी इज्जत बनेगी कौन से ए पशु कमाया नुवली न्यू तो पशु भी कमावे से गधा सारे दिन बोझ ढोवे से बड़द सारे दिन खेत में काम करे से पर उसमें जड़ बुद्धि है उसको बोझ नहीं है। अनुवली पिया जी वे काम तू करे से पर तांगी डाल गधा ही डाल कमावे से दान वो भी नहीं करते दान तुम भी नहीं करता दान पुन खर्चे खाए बिन तब बणिक पशु कमाया। जो अपने कमाए धन से दान नहीं करता नहीं सोच रहा वो पशु की लाल कमाने लग रहा है क्योंकि पशुओं में तो जड़ बुद्धि है उनको चेतना नहीं है। ये भैंस ना न्यू बेरा हो तेरा दूध 70 रुपये लीटर जा है वह तुम नार भी ना दे वह होटल पर जाओ होटल पर देखा और अपना गर्मा गर्म नगद खाना खा के और अपना आगे बोलो मारा तुम जरूरी है के मुकारा हो है उसका बोध नहीं है। दान पुन खर्चे खाए बिन बन के पशु कमाया तेरा नाम कड़े तो दुनिया में तू निंदक बने पराया पिया जी तुम ये काम नहीं करे कौन से।
त्रिकाल की संध्या ना कद चित्तम धारी गायत्री का भजन करियाना सत का बनिया पुजारी अग्नि होत्री पांच महायज्ञ गीता नहीं बेचारी सूत्रों आले काम करे शुभ कर्म कर ठोकर मारे सूत्रों आले काम करे शुभ कर्म कर ठोकर मारे तेरा पाप का माल भरिया कोठी में पाप का माल भरिया कोठी में ना पुन में पैसा लाया जगमाल जी जागमल मठ जी ने 10,000 रुपए का सहयोग बैंकिंग सेवा से ऑनलाइन गौशाला के खाते में डाले हैं। मठ जी को बार बार धन्यवाद है। गौ माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, धन्यवाद। अरे दूसरी कली में दाता भी जिक्र करे साढ़े, अरे बता दे बोला 75 क्यों है पाछ कना कता रहे थे जब कहते बोला भाई कनागता रे पत्रा के हैं। ये माता जी ने आशीर्वाद दिया, मेरा बार बार प्रणाम। छोटे बेटे मान सम्मान किया परमात्मा, लंबी उम्र हो, धन्यवाद। बोला पत्र क्या हो समाज, बोला मरे पाछा ये जो माँ बाप दादा दादी घर बैठे हैं ये पत्रा माजा है या ये तो बात होगी। बड़ी नाड़ नूड़ी मारो यार, हम बकरों में केरल मार यार मेरे न्यू तो चाहिए। माता जी को मेरा बार बार प्रणाम। बस माँ बाबू दादा दादी जो घर बैठे हैं मरे बात से ये पितरा माजा हिया ये बात से और किससे शाने दो रजा लो ओ न्यूका भाई थारे पितर रू झरे हैं ओ न्यूका भाई थारे पितर दुख पा रहे हमें दुखी कर रहे हैं और मैं न्यू को पितर जंदे जी दुखी हैं। अपना घर जाग के देख लो किसके पत्र आशीर्वाद दिए हैं, सब गाड़ा बक है। अरे फिर गीत गाओ सब लिया, बालाजी बालाजी मारा पंगा पड़ गया माँ, क्या होगा मेरी बहू मेरा बाबू बढ़ गया माँ पड़ेगा और खातिया पड़ेगा बहू थारी बाबू थारा जो बेचारा सता रखा तम नहीं और किसके कित कौन बढ़न देगा भाई इसने। अरे ये सता रखे हैं जिंदगी पितर मरे पाछे न थोड़ी बहुत ऊर्जा से मिल जाएगी तो झोटी खड़ी नहीं कूदेगी फिर खखाट नहीं पाटेगा। आज गौशाला में आए हो सारा समाज बैठा है, मैं निको जिंदा पितर घर बैठे हैं इनकी इतनी सेवा कर दो, इतनी सेवा कर दो इनकी आत्मा तृप्त हो जाए। जिसके पितर जिंदगी सुखी है उसके मरे पाछे भी दुख नहीं पाते हैं, जिसके जिंदगी दुखी है उसके मरे पाछे भी दुख पाओ है। भाई जी मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद, माता जी को मेरा प्रणाम। आड़े सेठानी के माध्यम से दादा कहे पिया जी तने ये कामना करी माँ और माँ
कदेला साधक की संगत अतिथि सेवा ना सतगुरु का चेला तीर्थ व्रत यात्रा करी ना संतो का भेला तो भैया मैं बैठ उठना घर में सड़ अकेला तो सुपने चला रात ढलने लगी साथ सुपने चला हमारे लाडले छोटे भाई मीठा धड़ गांव से मास्टर जी पर बात 200 रुपए समान समान हौसला अफजाई करते हैं। मास्टर जी की भी गौ माता सुने हमारी आप भगवान से प्रार्थना है गौ माता आपकी भी सुने आपको भी आशीर्वाद दे 100 रुपए से राजल पंडित जी और मान सम्मान हौसला अफजाई करते हैं बार बार धन्यवाद है धन्यवाद धन्यवाद। सौ रुपए से और मान सम्मान किया गया बार बार धन्यवाद। ये भजन लक्ष्मी चंद अपने आप में एक विचार है ये जीवन में धारण करने का है किसने सुन में इतना स्वाद आवे है जन्यू जीवन बिन्यू जिया जा तो कितना आनंद होगा और आनंद पद को तीसरी कली में दादा ने खोल लिया है। कबीर साहब कहे छे बोले माया मरी न मन मर्या माया मरी न मर मन मर्या भाई मर मर गए शरीर आशा तृष्णा ना मरी भाई न्यू कह गए कबीर आड़ जलन जुन लाकड़ी रे केस जलन जुन घास
और जलते तन को देख के होया कबीर उदास। अरे दादा कैसे आनंद पद खोल रहे जब निबला बे मान बड़ाई काम क्रोध मद लोभ मोह से डरना। जियो कुण जियो गानी मान बड़ाई काम क्रोध मद लोभ मोह से डरना लाभ हान बैर भाव तज ले ईश्वर का सरना। अब है रे किसी से नहीं डरे ना किसी से डरना ना को डराना। अब है रे ना भय दे किसी को फिर भाव सागर से तैरना। चित की व्यर्थी करो समापन ठीक अकीदा करना। सर्व आत्मा एक समझ ले जब जानंद पद पाया तेरा नाम कड़े तो दुनिया में तू निंदक बनिया पर आया। हर दादा ने कहा जो धन कमाता है और उस धन से दान नहीं करया जाता तो ऐसे धन का नाश हो जाना चाहिए ये शास्त्र कहते हैं। चौथी गली में इज्जत बंद बनने की खातिर पुरुषार्थ चाहिए से नीच दुष्ट छलियों की खातिर महाभारत चाहिए से श्री कृष्ण की दया मारनिया खुद भारत चाहिए से श्री कृष्ण की दया चार वेद भगवान स्वरूप का